सिरोही 12 मार्च शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी शासन व्यवस्था और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था सरकार का पूरा ध्यान केवल अपनी कुर्सी बचाने में है। इस लापरवाही से प्रदेश अपराध में अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहा है। पुरोहित ने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासन के 2 साल में राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। 6 लाख से अधिक मुकदमे और उसमें भी महिला अपराध, विशेषकर दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं शर्मनाक है। पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के कारण डीजल पेट्रोल के भाव में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। किसानों को अंधेरे में रखकर किसानों का पूर्ण कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला, बिजली के दाम बढ़ाकर आम जन की कमर तोड़ दी है। पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य के किसानों और नौजवानों को झूठे वादों के दम पर बरगलाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार मात्र 2 साल में ही जनता का विश्वास खो चुकी है। सत्ताधारी दल के विधायकों में गुटबाजी के चलते पनपे अविश्वास और 2 भागों में बटी कांग्रेस पार्टी आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही दल के विधायकों को अपने पक्ष में रखने के जनत और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भुला चुके हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि इस अवसर पर जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी कमलेश दवे, पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, जवाला मंडल अध्यक्ष नारायण सहित आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बंधुओं, कांग्रेस की सरकार में जनता में त्राहिमाम हुआ है। पानी की समस्या है, बिजली आती नहीं, बिल के झटके बड़े बड़े आते हैं, जनता परेशान है, त्रस्त है, चोरियां हो रही है, प्रशासन ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है, प्रशासन नाम की सारी चीज खत्म हो चुकी है। अशोक जी गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए झूठे वायदे कर रहे हैं, झूठे घोषणा पत्र कर रहे हैं और झूठा उन्होंने बजट के अंदर भी घोषणाएं कर दी कि हम वो करेंगे, वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। इनकी सरकार जाने वाली है और लोगों को जनता से राहत दिलाने के लिए हम लोगों को कमर कस के जनता के बीच में जाके जनता के काम करने पड़ेंगे और इस कुंभकर्णी सरकार को जगाना होगा और कांग्रेस को राजस्थान से मुक्त कराना होगा। भारत माता की जय हो।